अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर दो खबरें हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है। अच्छी आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपको पता भी चल चुका होगा कि हमारे डायनासोर की फीमेल कितने दिनों से बैठी हुई थी, हमें इंतजार था उसके बच्चे आने का। उसके अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे आना शुरू हो गए। 7 अंडे रह गए थे जिसमें से एक अंडा खराब हो गया, 5 बच्चे निकल आए। अब आखिरी वाले अंडे में से बच्चा निकल रहा था, अंडा टूट चुका था, लेकिन उसे अपने दूसरे बच्चों की फिक्र लगी, उनको लेकर वो बाहर निकल गई और सुबह से लेकर अभी तक उसने उस अंडे को इंक्यूबेट नहीं किया। अब हमें डर था कि यार वो बच्चा कहीं मर ना जाए। और यही दूसरी बुरी खबर है कि उस अंडे को फिर जबरदस्ती हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद बच्चे को बाहर निकाला क्योंकि काफी ज्यादा वो ठंडा हो गया था। फिर जल्दी जल्दी हम भागते हुए आए और ये छोटा वाला इंक्यूबेटर, इस इंक्यूबेटर को चलाया है। अब 38.2 टेम्परेचर है, 81 ह्यूमिडिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला बच्चा काफ़ी देर से, तकरीबन आधा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, इस बच्चे को हमने इंक्यूबेटर के अंदर रखा है। और टेम्परेचर अच्छा होने के बाद ना ये बच्चा अब थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए ये हल्का हल्का अब हिल रहा है, लेकिन अभी ये सोया हुआ है। अब नहीं पता इसको अंडे में से आने में बाहर कितने दिन बाकी थे, एक आधा दिन तो इसे और लग ही जाना था क्योंकि अंडा खुद टूटा था। अब मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी तरीके से इस बच्चे को बचा लूं। देखे हिल रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो उम्मीद तो यही है कि 8 से 10 घंटे इस इंक्यूबेटर में रहने के बाद इंशाल्लाह ये वाला बच्चा भी सर्वाइव कर लेगा और जल्द अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। इस बच्चे को यहीं पर छोड़ते हैं और हम चलते हैं दूसरे बच्चों के पास। शुक्र है यार, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, घर वाले सब ने वो बच्चे देखे हैं। आप जब देखेंगे आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से उनके पास जाते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है 100% कि हम इसको भी बचा लेंगे। हम घर वाले जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं पहले नारकेस दरख्त को देखते हैं फिर इसको देखते हैं, और सुबह शाम हमारी घर में यही डिस्कस होती है कि भाई इसके पत्ते क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन अभी अब्बास भाई से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं निकलेंगे भाई निकलेंगे, ये सूखा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल उसी तरीके से सब्ज़ है, यहाँ पर भी ये सब्ज़ है और यहाँ से भी ये बिल्कुल उसी तरीके से सब्ज़ है। इसके पत्ते निकलेंगे लेकिन थोड़े से लेट निकलेंगे। बेला की हालत देखें, इसने अपनी क्या हालत बनाई हुई है, सारे इसके पुराने वाले बाल गिर रहे हैं जो कि एक जगह इकट्ठे हो गए थे और अब उनकी जगह नए वाले बाल निकलेंगे। इधर आओ, ये इधर 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 थोड़ा सा करीब आओ, ये वाले बाल तुम्हारे में उतार दूं। ये देखें इस तरह इसके बाल सारे उतर रहे हैं। अब्बास भाई ने यहाँ पर आकर ये साइडों से खोदना शुरू कर दिया ताकि इनके इर्द गिर्द ईंटें लगा सकें। एक तो यहाँ पर जगह खराब नहीं होगी, दूसरा इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी और पानी भी खड़ा नहीं होगा और मुर्गियाँ भी बाहर निकलती हैं तो जगह को खराब नहीं करेंगी। तो अब ये छोटू गैंग ये ढूंढ के आ रहे हैं यहाँ से, देखो मिट्टी में ना मुंह मार रहे हैं, पता नहीं मिट्टी खाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी फिंचों का दाना खत्म हो चुका है, ये देखें बर्तन खाली पड़ा हुआ, तो इसलिए अभी फिलहाल तो मैं इनको ब्रेड दे रहा हूँ, थोड़ी सी देर ये ब्रेड खाएं, उसके बाद दाना अभी रास्ते में है, बस थोड़ी सी देर तक दाना आ जाएगा फिर हम इनको इनका दाना दे देंगे। तो पूल को हमने बिल्कुल अच्छे से साफ करने के बाद इसके अंदर पानी भर दिया और छोटू गैंग सारा आज बाहर है, उसको फिलहाल हमने अंदर नहीं छोड़ा यार, कहीं वो इन बच्चों के साथ लड़ाई ना शुरू कर दे। वैसे तो ये देखें बच्चों का बाप बच्चों के पास कल से है क्योंकि इसे खबर मिल गई थी कि भाई बच्चे निकलना शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ गया था। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा वो वाला छिलका जिसके अंदर से हमने खुद बच्चे को रेस्क्यू किया है। तो भाई दिल थाम के बैठ जाएं क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो प्यारे प्यारे बच्चे जो कि अंडों में से निकल आए हैं। चलो दाना तो है यहाँ पर, बस इतना सही काफी, कहाँ पर रखें इधर ठीक है ना, इस जगह पर रख देते हैं, पानी की करीब नहीं। अब ये नहीं पता ये अपने बच्चों को बाहर लाएगी पानी के अंदर या नहीं क्योंकि हमने इनको ना सुबह से बंद किया हुआ है। तो भाई साहब आप थोड़ा सा इधर हो जाए, ये फिर आ जाएगा अभी देखना, जो ही बच्चों को देखेगा फिर वापस। कल से भाई हट ही नहीं रहा यहाँ से, इब्राहिम जी काटेगा आपको भी। तो भाई अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, बाहर आ जाओ ना, क्यों बैठी हुई हो, ऐसे ही बैठी हुई है, ये समझिए कि शायद लाश वाला अंडा पड़ा हुआ है लेकिन नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये सारे छिलके निकाल लेता हूँ, ये देखें सब में से बच्चे आ चुके हैं निकल के। एक अंडा जो खराब था ना वो हमने पहले ही फेंक दिया था, ये वाले छिलको क्या क्या करें, ऑस्ट्रिच को खिला देते हैं, फेंकते नहीं जाया नहीं करते। ठीक है चलो भाई ऑस्ट्रिच सारे छिलके खा लो, वैसे भी इनको कमी है इनके लिए, अभी बाकी सामान आ रहे हैं आज, ये वाला छिलका भी फेंक देते हैं। और ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह माँ ने शोर करना शुरू कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको यहाँ पर छोड़ते हैं, इधर दाना खिलाए ना, दाना खिलाए चलो भाई आपने खाना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी खाना शुरू कर दिया।
बाबा। आप भी उठाना ना, पहले मैं इनको रख लूं। इनको पानी के पास ही मैं रखता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इनको पानी के करीब रखता हूं। हो सकता है माँ मैं अपने बच्चों को पानी के अंदर लेके जाऊं। चलो भाई यहाँ मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं डायनासोर के। उठा लो, काट लेगा डायनासोर का मैंने। अच्छा है ना, चलो बस वापस दे दो, वापस दे दो। अब हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ताकि ये पहले खाना खा ले, क्योंकि जब से ये निकले हैं इन्होंने कुछ नहीं खाया, बल्कि फीमेल तो काफी दिनों से भूखी मुझे लग रही है। यार ये दोनों तो काफी ज्यादा चलाक हैं। आज पहला दिन है ना, तो ये अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद पानी के अंदर नहीं लेकर गए, बल्कि इन्होंने खुद पानी पिया है। अब ये बाहर की तरफ निकल गए हैं और बच्चे भी देखे ना, पहली दफा बाहर निकले तो कितने ज्यादा खुश हैं। तो जब तक ये अपने बच्चों को बाहर घुमाती है, मैं इनके पास ही रुकूंगा और उसके बाद फिर मैं इनको वापस बंद कर दूंगा। फीमेल और बच्चों को मैं पहले की तरफ बंद करके कुंडी लगा दूंगा, मेल बाहर रखवाली करेगा और फिर मैं छोटू गैंग को पूल के अंदर बंद करूंगा। अब अच्छी खबर के बाद आपको फिर से एक बुरी खबर देने वाला हूँ। यहाँ पर फिर से दो अंडे रह चुके हैं, एक अंडा ये फिर से पी गए हैं। अब कैल्शियम वाली बात हो सकता है कि सच हो, कैल्शियम के लिए अंडों को इन्होंने पीना शुरू कर दिया हो। तो जो दाना अभी आ रहा है उस दाने में मैंने काफी ज्यादा कैल्शियम की मिकदार भी साथ में मंगवाई है, जो कि मैं इनको दाने के अंदर भी और अलग से भी दिया करूंगा। ना सिर्फ इनको बल्कि मेरे जितने भी परिंदे हैं ना, उनको कैल्शियम मिला करेगा। इस बुरी खबर के बाद एक और अच्छी खबर भी। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये अच्छी और बुरी खबरें ही सुनाई जा रहे हैं। अच्छी खबर ये है, इधर की अच्छी वाली खबर ये रही नीचे अच्छी खबर। ये कबूतर हमने पकड़ा है, ये कबूतर खुद ही आया है। मुझे लगता है कि जो कबूतर हमने दिए थे उनमें से कोई बच्चा ये वापस उड़ के आ गया है। ये यहाँ पर आके बैठा हुआ था, पहले इधर आया था, फिर हमने ये दरवाजा खोला तो इधर आ गया, जाली के साथ चिपक रहा था अंदर जाने के लिए। फिर दरवाजा जो ही खुला है ना, तो ये खुद ही अंदर चला गया। तो वो भाई अब कबूतर लेने के लिए आएंगे ना, तो उनको भी साथ हम ये वापस कर देंगे। चलो भाई हम सायों से रैबिट का खाना लेकर आ गया। मुझे दो, मुझे दो, मैं देता हूँ ना। अच्छा यहाँ से दे दो, चलो ये ले। अब उनको भी तो देना है ना यार, सारा एक जगह पर इसने डाल दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा उठाते हैं, ये लो छोटू गैंग भी आ गए ना, इनको भी देना है। और थोड़ा सा और उठाते हैं और इनकी तरफ फेंक देते हैं। इस तरफ हमारी ईंटें लगना शुरू हो गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अब दो पौधों को तो लग चुकी हैं, कल अब्बास भाई एक दो तीन और उन चारों को भी लगा देंगे। और उसके बाद जो उस तरफ वाले पौधे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन में ना करके सबको लगा दी जाएंगी, तो फिर ये सारी जगह प्यारी हो जाएगी। माशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ ये घूमते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हैं पाँच, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कल आपको यहाँ पर छः नज़र आएंगे, क्योंकि मैं बार बार उसके पास भी जा रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ, उसके पर भी सूखते जा रहे हैं, उसने आँखें खोल ली हैं और उसने भी चूँ 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 शुरू कर दी है। तो कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी अपनी माँ के पास आ जाएगा, बल्कि हो सकता है मैं उसे अभी निकाल कर जब इनको बंद करूँगा तो माँ के नीचे रख दूँगा। माँ अपने बच्चों को जब रात के वक्त छुपाएगी तो साथ उसे भी छुपा लेगी, तो वो फिर नॉर्मल ठीक हो जाएगा। सारे बच्चों को मैंने उठा लिया, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ मेरे पीछे। अब मैं भाग के जाऊंगा इनको, क्योंकि अब बंद करने का वक्त है ना, ज्यादा नहीं खोल सकता। आ जाओ, आ जाओ, ये रहे मेरे पास हैं बच्चे, आ जाओ, शाबाश, भाग के आओ। माँ भाग के आ रही है और पीछे पीछे बाप भी आ रहा है। अब भाई बहुत हो गया आज का इनके लिए ना, कल सुबह हम इनको धूप में बाहर निकालेंगे। चलो भाई इनको खतरा भी हो सकता है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर है तुम्हारे बच्चे, जाओ, चलो 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 चलो, शाबाश, जाओ जाओ अंदर जाओ अपने बच्चों के पास। ऐसे तुमने भाई रखवाली कर लिया, तुमने अंदर नहीं जाना। अब मैं कर देता हूँ दरवाजे को ऐसे बंद, पक्की वाली कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई बिल्ली वगैरह हमला ना कर सके। और दूसरी फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है, देख लिया है ना कितने प्यारे बच्चे हैं। तुम भी जल्दी से बच्चे निकाल दो, ठीक है ना, हमें भी इंतजार है तुम्हारे बच्चों का भी। अब इसके नीचे भी पांच अंडे हैं, बस यही दुआ है कि पांच के पांच बच्चे निकल आए ताकि ये भी जल्द से जल्द माँ बन जाए। हमारा दाना आना शुरू हो चुका है, भाई बाहर से ला रहे हैं। मैं कैल्शियम ढूंढ रहा हूँ, नहीं यार ये तो कैल्शियम ब्लॉक है, ये वाले नहीं। ये रही कटल बॉन फिश, ये भी काफ़ी अच्छी होती है परिंदों के लिए, उनको लाजमी देनी चाहिए। हमारी फिंचेज और बर्ड्स बहुत शौक से ये खाते हैं, इसको भी बाहर रखता हूँ। यार कैल्शियम नहीं आया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लगता है भाई लेके आ गए हैं, आ गए हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा बोले थे, एक बॉक्स कम से कम सुबह आधा और शाम को आधा उनको देंगे एक महीने तक, तब उनमें कैल्शियम की कमी पूरी होगी। लेकिन ये कम है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बॉक्स हैं। खैर गुजारा करते हैं तीन चार दिन के लिए, बाकी फिर मंगवा लेंगे। और बाकी ये रहे चने मेरे परिंदों के लिए। फिलहाल तो हम उनको एक पूरा पैकेट अभी देने वाले हैं, देखते हैं खाते भी हैं या नहीं खाते, पता चले ना। अगर तो ऐसे खा ले ज़्यादा बेहतर है, नहीं खाते तो फिर सुबह शाम उनके दाने के अंदर हम मिक्स करके उनको दिया करेंगे। चलो भाई इनको खिलाने की कोशिश करता हूँ,
फीमेल ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इधर ये इधर आओ खा के चेक करो जरा, पसंद आएगा तुम्हें। अभी ये शायद डर रहे हैं मुझसे, मैं काम करता हूँ यहाँ पर रखता हूँ और निकल जाता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ ये आएंगे करीब खाएंगे या नहीं खाएंगे। फिलहाल तो नई नई चीज है, पास जाते हैं लेकिन खाते नहीं है, तो खैर नहीं खाते तो हम इनको फिर इनके चारे के अंदर और दाने के अंदर देंगे, फिर इनको कोई भी कैल्शियम की कमी इंशाल्लाह नहीं रहेगी और फिर ये अपने अंडे नहीं खाएंगे। और देखें अपनी माँ के साथ कैसे पांचों के पांचों बैठे हैं और वो भी कितने मजे से बैठी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंक्यूबेटर से बच्चा निकालते हैं और इसके नीचे लाकर रख देते हैं, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो यकीनन दोस्तों आपको डायनासोर के बच्चे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी, मुझे भी बहुत ही ज्यादा, आपसे कहीं ज्यादा। जब मैंने पहली दफा देखी है ना तो खुशी हुई, मुझे यकीन ही नहीं था ना कि इन अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे, लेकिन शुक्र है जो कमेंट्स आए थे ना 40 दिन बाद निकलते हैं वो वाले ठीक निकले हैं, कि भाई डायनासोर जो है ना वो 40 दिन के बाद ही बच्चे निकालता है। तो अगर बच्चे अच्छे लगे हैं तो उस खुशी में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।